अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तलहार ब्लॉग में आज सबको वेलकम करते हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र की आज का जो उन सब लोग हैं वो हम शुरू करते हैं। तो आज ये देखें जी, माशाल्लाह घर जो है वो दोबारा रिन्यू करा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ब्लॉगों में भी दिखाया होगा कि घर में जौन सी तोड़ फन जौन सी वो हो रही थी, ये सारी देखी थी सेट वेट जौन सा माशाल्लाह करा दिया गया है। तो इसी तरह सारा जौन सा वो सेट वेट हो चुका है। ये भी जौन सी द्वार है ये भी ठीक कर दी गई है और अब नीचे से ये काम जारी है सारी है। तो अभी मेरी ड्यूटी लगी है के मसाला तैयार करके भर भर के तो ये नीचे लगा रहे हैं प्लस्तर, तो यहाँ पे भिजवाना है। तो मेरी ड्यूटी ये लगी हुई है। तो लोग हैं वो हम शुरू करते हैं आज की रूटीन आपसे जौन से वो शेयर करते हैं। ये जौन सा सारा सामान है वो यहाँ पे निकाल के रखा गया है और ये खुड्डा भी हमारे जौन से मुर्गियाँ वो सारा दिन ही ये वाली छत पे रहते हैं। माश देखें जी, यहाँ से ये देखें काम हो रहा है नीचे कैसे गंद पड़ चुका है। मसाला इकट्ठा कर लेने भाई जान। अब जौन से वो काम ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं। ये हमारा भगवान साहब तो यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया था। तो ये रेता वगैरह वो सीमेंट वगैरह तो यहाँ से भी प्लस्तर, अब वहाँ से हो रहा है प्लस्तर भी। और मिस्त्री साहब की एक कप चाय आए हाय आए हाय। प्लस्तर मिस्त्री साहब जौन से वो तोड़ भन कर रहे और ये हमारा वेला ढगा बैठा है। पानी भर चुका है, सब्जी इसको भी बंद करते हैं। और मेरा काम जौन सा वो नीरू बनाना है, तो अभी नीरू जौन सा वो तैयार करते हैं। मिस साहब किन्ना अद्धा की बना दिए थले हो मारदा मैं नीरू दस्यो किन्ना बनावा। अद्धी कटारी बहुत है पानी छियानी पानी अद्धी के बहुत पानी बढ़ा ना भी लो मिस्सा पानी और आवे पैर के खाने का जौन था वो टाइम वो हो चुका है और आप मेरी हालत देख सकते हैं कैसे गंदा मंदा मैं हूँ। तो अभी रोटियाँ लेने जा रहा हूँ, अभी जौन सा मैं रोटियाँ वगैरह वो ले के आ गया हूँ। तो अभी खाना खाएंगे और खाने के बाद रूटीन भी फिर आपसे शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारा काम जौन सा है लेबर का मिस्त्री का जौन सा वो हो चुका है। और आज की सैड न्यूज़ ये है कि इसकी जौन सा मादा है ना वो
मर चुकी है सुबह को, और अंडे को ये इनक्यूबेट कर रहा है माशाल्लाह मैम जॉन था वो अंडे को इनक्यूबेट कर रहा है। तो अब अल्लाह ताला से यही दुआ है कि बच्चे जॉन से वो निकल ही आए इंशाल्लाह जी। और ये जोड़ा है, और ये जॉन सा है वो इनका बच्चा था, इनकी इसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो आपको ऊपर से भी दिखाते हैं जॉन जहाँ जहाँ से हमने प्लास्टर वगैरह करवाया है। ये वाशरूम में जॉन सा सारा प्लास्टर हो चुका है, अंदर से भी बाहर से भी देखें जी। यहाँ पे थोड़ी सी मरम्मत होने वाली थी, ये भी कर दी है ठीक है जी। और बाहर से भी देख सकते हैं हर चीज़ प्लास्टर जॉन सी वो हो चुकी है, ये देखें जी। ये दीवार भी थी थोड़ी सी मरम्मत करने वाली, ये भी कर दी है। और यहाँ पे भी फर्ज थोड़ा सा ना सीमेंट डाला था ताकि जो सा पानी खड़ा होता है वो ना खड़ा रहे ठीक है जी। और यहाँ पे जो सा है ना वो इनका प्यारा सा एक खुड्डा जो सा वो बनेगा, तकरीबन इसकी लंबाई यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक होगी, और ऐसे ही है तकरीबन यहाँ तक मसलन 5-7 का जोन सा वो खुड्डा जोन सा वो तमीर करेंगे इनके लिए। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आपने दुआ ज़रूर करनी है कि डव जोन सा वो मादा जोन से मर चुकी है, तो जोन सा नर है वो माशाल्लाह 2 अंडे वो दोनों अंडे हैच कर दे अच्छे से, वो खाना खाता भी है माशाल्लाह, हमें यही डर था कि खाना पीना ना छोड़ दे। तो आपने दुआ ये करनी है कि वो अंडे में से बच्चे निकाल दे। और आज का व्लॉग यहीं तक ही था, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।